ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी यानी कि तुलसी विवाह का बहुत ही पावन सा पर्व है। और अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो धन को लेके हो, संपदा हो, व्यापार हो, नौकरी हो, मनोकामना हो, इच्छा पूर्ति हो, कुछ भी है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस माता तुलसी जी की जो गमले की मिट्टी होती है वो लेना है और हल्दी का इस्तेमाल करिएगा। छोटा सा उपाय है, इससे करने से हमारे घर की जितनी तकलीफें होती हैं वो सारी की सारी चली जाती है। ठीक है, चलो समझते हैं कि उपाय को। सारी की सारी वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, बीच में बिल्कुल भी मत छोड़ना। ऐसा संयोग बहुत ही रेयर, बहुत ही कम देखने को मिलता है कि गुरुवार के दिन आपको ये पर्व देखने को मिले। ठीक है, देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हल्दी। तो जैसे ही हल्दी का नाम आता है, खड़ी हल्दी को उठाओ और उसको पीस लो। ठीक है, पाउडर बना लिया। अब इस हल्दी को लेना और आपके घर के गमले में जो भी माता तुलसी का पौधा लगा हो, गमला हो, नीचे हो, कहीं पे भी हो, तो आपको क्या करना है, उनके गमले पे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे बना हुआ ना, इसी तरीके से गमले पे आपने जो एक चुटकी हल्दी लिया है, उस एक हल्दी से एक आपको स्वस्तिक का निर्माण करना है। जैसे मैंने स्वस्तिक बना दिया, इसी तरीके से आप भी स्वस्तिक का निर्माण करोगे। लेकिन जब स्वस्तिक का निर्माण करोगे तो यहां पे आपको किसी देवता का नाम लेना है, यहां पे आपको एक डिफरेंट नाम लेना होगा, हरि हर महादेव के नाम से आपको स्वस्तिक बनाना। किसके नाम से? हरि हर महादेव। बना दिया स्वस्तिक आपने। अब स्वस्तिक बनाने के बाद में आपको क्या करना है, इन्हीं के सामने, कहीं और पे नहीं, इन्हीं के सामने एक घी का दिया गोल बत्ती का लगाओगे, भगवान नारायण के नाम का। किसका? भगवान नारायण के नाम का। इसी स्वस्तिक के आगे घी का दिया गोल बत्ती का लगाओगे। इतना लगाने के बाद अपनी झोली फैलाना, माता से प्रार्थना करना कि हमारे घर में इस तरीके से प्रॉब्लम होती है, इस तरीके से समस्याएँ होती हैं, आप हमारे घर की इस समस्या को सॉल्व करो, अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करना। और उसके बाद तुलसी माता की जड़ की जो मिट्टी होगी ना, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, एक की मिट्टी को उठाना, आपके घर के जितने भी कमरे होंगे उन सभी कमरों के कोनों में ले जा करके उन मिट्टियों को डाल देना। जितनी नेगेटिव एनर्जी होगी आपके घर में बसी हुई होंगी ना, सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर के बाहर कब चली जाएंगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करना होगा। ठीक है, चलो तो पहले उपाय की हमने बात कर ली है, जो कि तुलसी माता की मिट्टी और हल्दी से करना था। अब यहीं पे हम लोग आगे बढ़ते हैं देव उठनी एकादशी पे करने वाले अपने दूसरे उपाय की तरफ। ठीक है, अब कहोगे भैया दूसरा उपाय तो हम करें, इसके बेनिफिट क्या होंगे, फ़ायदे क्या होंगे? इसके दो फायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि कोई आपके घर में बीमार पड़ा हुआ है तो वो ठीक होगा। दूसरा, अगर आपकी कोई भी ऐसी इच्छा है जो बहुत दिनों से अधूरी है तो वो इच्छा भी आपकी पूरी होगी, है ना। समझते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा शमी का पत्ता, दिख रहा है ना। तो आपको कितने पत्ते चाहिए? दो शमी के पत्ते चाहिए, इससे ज़्यादा मत लेना। ठीक है, दो शमी के पत्ते लेना। साथ ही साथ आपको लेने होंगे यहाँ पे बेलपत्र। कहोगे भैया बेलपत्र कितनी लेंगे? एक ही बेलपत्र की ज़रूरत होगी इस उपाय को करने के लिए। अब इन दोनों चीज़ों को चढ़ाओगे कहाँ देव उठनी एकादशी पर? सबसे मेन चीज़ें यहीं है। तांबे का लोटा भी ले लेना, जिसमें जल भरना अपने घर से, भर लिया जल। इन सभी चीज़ों को लेके पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। आपके पास में दो शमी के पत्ते हैं और एक बेलपत्र है कि नहीं है? समझते हैं, जब हम महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं तो जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरता है ना। जिस जगह पे ये जल नीचे गिरता है, उस जल वह स्थान होता है हमारे पितरों का। तो जो एक शमी पत्र आपके पास में है, वह आपको जिस जगह पे जल गिर रहा है उस जगह पे समर्पित करेंगे। समर्पित कर दिया आपने। जो दूसरा शमी का पत्ता आपके पास में है, वह महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे आपको हाटकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव के नाम से दूसरा शमी का पत्ता समर्पित करेंगे। लास्ट में आपके पास में एक बेलपत्र है। हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, पता है ना आप सबको। तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे जो एक बेलपत्र है वह बिल्कुल सीधा सीधा चढ़ाएंगे, डंडी होगी बाहर की तरफ, पत्ती होगी महादेव। समझ में आई बात? इतना समर्पित करना। जो एक लोटा जल आप अपने घर से लेके आए हो, वह माता अशोक सुंदरी के स्थान पे जो आपने बेलपत्र चढ़ाई है उसी जगह पे समर्पित करना। जीवन के जो कष्ट होंगे, बीमारी है तो उसकी कामना करते हुए, कोई भी ऐसी इच्छा है, कोई भी ऐसी मनोकामना है तो उसकी कामना कहते हुए जल को समर्पित कर देना।
जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, इस जल को दाहिने हाथ में रोक के अपने दोनों आंखों पे लगा लेना। जिस कामना से इस उपाय को करोगे वो विशेष वो इच्छा महादेव पूरी ज़रूर करेंगे। ठीक है, दो उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और यह उपाय आपको दही से करना होगा। देव उठनी एकादशी पे दही का ये उपाय बहुत प्यारा है। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी लोग इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, यह जो उपाय है ये सिर्फ और सिर्फ है पैसों के लिए, यानी कि धन संपदा के लिए। माता लक्ष्मी आप पे घर से रूठी हुई हैं, आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती है, कभी भी धन की कमी आपके घर में हमेशा बनी रहे, इस उपाय को करेंगे। स्क्रीन पर आपको दही दिख रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में दही लेंगे, 2 से 4 चम्मच दही लेना। ठीक है, दही ले लिया, साथ ही साथ अब कार्तिक का महीना है, देव उठनी एकादशी है, तो कमलगट्टा भी ज़रूर लेंगे। ठीक है, कमलगट्टा भी ले लिया। कमलगट्टे के साथ हमें एक बेलपत्र भी लेनी होगी, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, है ना, ले लिया। इन सभी चीज़ों को लेना और एक तांबे के लोटे में अलग से जल भर लेना। इस जल के अंदर आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जो कमलगट्टा आपने लिया है उस एक कमलगट्टे को कलश के अंदर डाल देना। सब चीज़ों को लेके पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। जो क्रम आपको बताऊँगा, जो नियम आपको बताऊँगा, उस नियम को फॉलो करेंगे। जो इंसान आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, या फिर जिस कारण से आप कर्ज में डूबे जा रहे हो, आपने किसी का पैसा ले लिया है आप वापस नहीं कर पा रहे हो, तो उस कामना से कोई आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है तो उसका नाम और गोत्र बोल करके अच्छे तरीके से शिवलिंग के ऊपर दही का लेपन करेंगे, जितना ज्यादा कर सकते हैं। माता लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे हमारे घर में धन की समस्या सॉल्व कर दें। ठीक है, कर दिया आपने। अब उसके बाद में जिस जगह पे दही का लेपन किया है उसी जगह पे उस एक बेलपत्र को समर्पित करेंगे, जिसकी पत्ती हो जाएगी माता अशोक सुंदरी की तरफ, जो डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती होगी आपकी तरफ। बाकी आपके पास में कलश में जो एक कमलगट्टे का जल है, वह पूरा का पूरा जिस जगह पर बेलपत्र चढ़ाई थी उसी जगह पर बेलपत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए कमलगट्टे का जल भी समर्पित कर देना। दही का लेपन करने के बाद में जो एक बेलपत्र के ऊपर कमलगट्टे का जल चढ़ा देता है, उनके घर में कभी भी धन को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, हमेशा माता लक्ष्मी का वास उनके ऊपर बना होता है। समझ में आई बात मेरी? चलो, तीन उपाय की बात हमने कर ली है, एक सबसे आखिरी उपाय की बात करते हैं, जो कि इस वीडियो का चौथा उपाय है। यह उपाय स्पेशली है धन संपदा के लिए। देव उठनी एकादशी पे 3 दीप का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। कितने दीप का? 3 दीप का। अब वो 3 दीपक कहाँ कहाँ लगाने हैं जिससे माता लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में हमेशा बना रहे? क्रम समझेंगे, नियम समझेंगे। और ये जो जितने भी दीपक लगाने हैं शाम के टाइम पे प्रदोष काल में लगाने हैं। कहाँ पे गोल, कहाँ पे लंबी, मेरी बात समझेंगे। स्क्रीन पर आपको सबसे पहला जो पेड़ दिख रहा है वो है आंवले का पेड़। जो पहला दिया लगाओगे घी का दिया लंबी बत्ती का लगाना होगा आंवले पेड़ के नीचे। कहाँ पर लगाओगे? घी का दिया लंबी बत्ती का आंवले पेड़ के नीचे, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए पहला दीप लगा दिया। जो दूसरा दीपक लगाओगे आपके घर में जहाँ पे भी माता तुलसी का पौधा हो, जहाँ पे लगा रखा हो गमले में या फिर जमीन में नीचे, उनके सामने घी का दिया गोल बत्ती का लगाओगे। कौन सा? घी का दिया गोल बत्ती का लगाना। 2 हो गए। एक और दीपक हमें लगाना होता है, जो तीसरा दीपक आपको लगाना है वो बेल पेड़ के नीचे लगाओगे। कहाँ पे? बेल पेड़ के नीचे घी का दिया लंबी बत्ती का लगाना होगा। और यह जो दीपक लगाओगे ये भी माता लक्ष्मी के नाम का ही लगाना है, क्योंकि आपको पता होगा भोले शंकर भगवान ने माता लक्ष्मी को वरदान दिया था कि शाम के टाइम पे वो कहाँ पे निवास करेंगी? बेल पेड़ के नीचे। तो तीसरा दीपक बेल पेड़ के नीचे। देव उठनी एकादशी पे जो भी व्यक्ति इन 3 जगहों पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में दीपक देता है, उनके घर में कभी धन को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कोशिश की है अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, कुछ पूछना हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और हाँ, जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको मुझसे फ़ोन पर बातें करनी है तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, सर्च करेंगे द नेचुरल प्लैनेट 108। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।